मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद है जो बानो कुदसिया से किसी ने पूछी थी कि जो बहुत बड़ा घना सायादार दरख्त होता है उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उन तक धूप नहीं पहुंचती, उसमें वो एक नंद है और वो जुल्म कर रही है, तो इट्स नथिंग न्यू। वो बहुत अच्छा चला गया और एक बहुत अच्छा प्ले था प्यार के सदके, मैं उसकी रेटिंग ही नहीं आई। अब इस वक्त कोई भी बीए पास लड़की हो, एफए पास लड़की हो, आप उसको कहें गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, उसके लिए वो ही बहुत है। तो मैं किसी को फिजिकली फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी और आप लोग मुझे देख सकेंगे हेलो मीरा सेठी में। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत मज़ा आया, हमने खूब गप्पे शप्पे की। चालीस साल से वो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, कॉमेडी में उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई है। वो आज भी हमारे ड्रामों में आती हैं और आकर छा जाती हैं। देयर इज़ नो वन लाइक हर। आइए मिलते हैं बुशरा अंसारी से। हेलो बुशरा जी। हेलो मीरा सेठी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वेरी डिलाइटेड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। आई नो, हमने झूठ में काम किया था, याद है आपको? बिल्कुल, और हमने सचमुच काम किया था उसमें बहुत ज़्यादा। बुशरा जी, आपके वालिद साहब अहमद बशीर बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, राइटर, जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो वो रिज़ाइन कर गए, क्या ये सच है? नहीं, एक्चुअली जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त अब्बा वॉज डी जी स्टेट फिल्म अथॉरिटी, ओके, विच वॉज इन इस्लामाबाद। अच्छा, उसमें असलम अज़हर साहब चेयरमैन थे और कुदरतुल्ला शहाब साहब उस वक्त सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे। सो उन्होंने आके कहा कि ये सब गैर इस्लामी है। ज़ियाउल हक ने कहा दोज़ख में चले जाएंगे जो लोग ये काम फिल्में वगैरह बनाते हैं। तो उसमें डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनती थी, तो वो खैर महकमा ख़त्म कर दिया गया। फिर उनको शहाब साहब ने कहा कि आप मिनिस्ट्री में आ जाएं, आके दफ्तर में बैठ जाएं, ग्रेड 22 से 19 में आ जाएं। तो उन्होंने कहा जी सॉरी, मैं चलता हूँ लाहौर, इस्लामाबाद से। फिर वो लाहौर आ गए और उन्होंने कहा मैं अपना पेंसिल, उनको बल्कि पंजाबी में कहते थे, अपनी पेंसिल कंधे ला के मैं चला जाऊँगा दफ्तर। वाह, पेंसिल ना, तो हम कहते पेंसिल की कहते हैं भाई, मैं तो पेंसिल ही कहती। तो वो आ गए लाहौर और आके अपना जर्नलिज्म फिर से शुरू कर दिया। अच्छा, और आप कितने साल की थी तब? मैं जिस वक्त शादी हुई थी, अच्छा, आई वाज 20, और मेरी शादी के तीसरे महीने कू वगैरह हो गया था ना, मतलब सही ठीक। तो वो फिर अब्बा, मैं इस्लामाबाद में रह गई तो वो लोग लाहौर आ गए वापस। आपकी फैमिली में सब जो खवातीन हैं, आप हैं, सुंबल आपा हैं, नीलम आपा हैं जो मेरे साथ लाहौर में होती हैं, असमा आपा हैं, आप इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी टैलेंटेड सिस्टर्स हैं और आपको ये सालों से लोग आपको कहते आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये आप में तो है टैलेंट, लेकिन आपके वालिद साहब ने घर में एक माहौल क्रिएट किया होगा इस टैलेंट की एक्सप्रेशन देखिए, तो कैसा था माहौल? इसका पता है क्या, बड़ा एक अजीब से, अब्बा वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, अब्बा इंतहाई मोहब्बत करने वाले और इंतहाई गुस्से वाले। अच्छा, दो चीज़ें थी, हमारी जान भी निकलती थी उनसे और हम चिपकते भी बहुत थे, और वो हमको चिपके ही रहते थे हर वक्त। उनका उनकी आदत थी कि बच्चियों को, बेटियों को लिपट के ऊपर टांग रख के पप्पियाँ करते ही जाते थे हमेशा। तो मगर जब गुस्सा एक ललकार मारी और वहीं हमारी रूह फना, बट उनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे जी। गाना, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिखना, ये सब बहुत ही खूबसूरत काम था जिसमें हमारे घर में कोई इशू नहीं था। सिर्फ ये था कि आपने बाहर नहीं जाना, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना, शाम को घर में होना है, सूरज गुरूब हो तो आपने अपने घर में होना, ना किसी सहेली की बर्थडे पार्टी पे जाना था। सहेली की बर्थडे पार्टी नहीं, और अगर हम किसी शादी पे चले भी जाते थे अम्मी के साथ, हम खाने के बगैर आ जाते थे, क्योंकि उन्होंने कहा 9 बजे के बाद देर बाहर नहीं रहना। इसका मतलब था वो कहते थे मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। सही, और उनके मुताबिक मेरी ये 4 सोनिया तियाँ ने थे, मैं इस तरह नहीं मतलब छट सकता, तो वो एक उनको बाहर लेना, वे ही वॉज राइट। तो मगर हमें फिर बहुत सी चीज़ों में उलझन भी होती थी, क्या मुसीबत है, दिल तो चाहता था कि गाएं, और फिर चूँकि मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी तो मेरे पीछे तो बड़ी टीवी की गाड़ियाँ लग जाती थी। उस वक्त खैर मुझे जाने दिया, बिकॉज मैं उस वक्त फ्रॉक जुराबियाँ बना के गई थी, पर थोड़ी सी जब मैं बड़ी हुई तो फिर मेरी दादी वगैरह ने कहा कि भैया और बड़ी हो गई है फलाना, तो मैं थोड़ी लंबी भी जल्दी हो गई थी, देन ही दे स्टॉप मी। अच्छा, अब्बा ने कहा कि तेनू शौक है तो चुप करके रेडियो से जाके गा लिया कर, किसी को पता भी नहीं लगे। अच्छा, वो अलाउड था,
लेकिन टाइमिंग्स और रिस्ट्रिक्शंस थी, वो तो सबकी होती हैं। हाँ, लेकिन हमें आपके हमारे घर में भी मेरी बेटियों के उनके उनके मेल फ्रेंड्स भी आते थे, मतलब जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आपके भी जी, हमारे घर में ऐसा कोई मजाक नहीं। तो हम फीमेल स्कूल में थे, सही, हम कोएड में नहीं थे, मगर इवन देन जब टीवी पे काम करते थे तो प्रोड्यूसर्स का फोन भी आता था तो हमारी रूह फना हो जाती थी कि मतलब है कि ये अम्मी से बात कर लें। आपको देख के लगता नहीं है ऐसा? मेरे दिमाग में जो आपके वालिद साहब थे और आपकी अम्मी अभी हयात हैं माशाल्लाह लाहौर में हैं, तो मुझे तो लगता था कि आप बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव। हाँ, लिबरल इस तरह थे कि हमारे घर में म्यूज़िक और मस्ती मजाक और लिखना पढ़ना और हमारे घर में अदीबों शायरों का आना बैठना, वो सिर्फ प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, उस तरह हमें इंडिपेंडेंस भी दी, जैसे कि हमारे वालिद ने कभी पैसे नहीं बनाए क्योंकि हमेशा नौकरी से निकाले गए और बड़ी खुशी खुशी आती थी कि नौकरी चली गई। मसावात के एडिटर थे और भुट्टो साहब के खिलाफ लिख दिया तो उन्होंने तो निकालना ही था, तो वो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस, मैं सच बोलूँगा और चाहे जो मर्जी कॉन्सिक्वेंसेस हो, उनकी इसी मामले में रिस्पेक्ट थी। तो हमें उन्होंने बस का बस स्टॉप पे रास्ता दिखाया कि ये देखो हमने ये घर लिया, चलो भाई देखें किधर से किसको बस मिलती है। हमें उस तरह उन्होंने इंडिपेंडेंस भी थी, हमें कॉन्फिडेंस जो आया है हमें अपने ओन पे स्कूल जाना और आना, लेकिन ये बताया कि किसी से कुछ लेके खाना नहीं है और कहीं उतरना नहीं है, दो चार चीज़ें पक्की बताई थी। तो कुछ प्रिंसिपल्स थे उनके जो कि उस वक्त तो बड़े मुसीबत लगते थे, लेकिन आई थिंक वो ठीक थे। आपको उनसे पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया तो वो कैसा था? नहीं, उनको पता, एक दफ़ा मिला जी और फिर पता नहीं क्या, शायद कोई किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये आया कि जी वो ज़रा अपनी बात कहते, तो उनका वापस हो गया था मैंने। अच्छा, फिर मुझे मिल गया, तो फिर उसके बाद काफ़ी दिनों बाद आई डोंट नो, उनको शायद बेनज़ीर की हुकूमत में मिला ठीक, मुझे भी बेनज़ीर की, लेकिन बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत में उनको मिला था, अब पहली हुकूमत में मुझे मिला था, तो मैं उनको कहती थी अब्बा तोड़ना मैं सीनियर ही गया। लेकिन बहरहाल वो देर सवेर तो होती है। बट मुशा जी, आपने इतने आइकॉनिक ड्रामों में काम किया, कॉमेडीज़ में खास तौर पर, और मैं उस दिन आंगन टेढ़ा देख रही थी, यूट्यूब पे अब सारा कुछ मिल जाता है, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या था उस वक्त? बिकॉज अब तो वो फॉर्मूला ऑफ सक्सेस ना है और ना ही किसी की कैपेबिलिटी है आजकल वो चीज़ बनाने में, तो उस वक्त क्या था मैजिक? आई थिंक टाइम के साथ बहुत कुछ, सब कुछ चेंज होता है ज़िंदगी में, सिर्फ नॉट ओनली द ड्रामास, हमारी लाइफ में और बहुत कुछ चेंज हुआ। आपके पेरेंट्स ने भी देखा बहुत कुछ चेंज होते हुए, हमारे पेरेंट्स से पहले उनके पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ, तो ज़िंदगी बदलती है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके, मगर अच्छी बात यह है कि अच्छी चीज़ों के लिए ज़िंदगी बदलती है, हमारी बेसिक जो कहना चाहिए हमारी जो रिवायात हैं, हमारे जो जो भी हमारे नॉर्म्स हैं फैमिलीज़ के या हमारे ब्रॉटअप में जो चीज़ें बेसिक होती थी वो अब चली जा रही है, तो उसका मुझे बड़ा दुख होता है। मसलन तो ठीक है, हमसे पुराने ज़मानों में तो और भी था कि जी बैठक में मर्द बैठे तो औरतें नहीं जाती, वो हमने देखा हमारी दादी, हमारे दादा के बैठक में हमारी दादी नहीं जाती थी उनके दोस्तों में। अच्छा, हमारी अम्मी को हमारे अब्बा ने बहुत कंपेनियनशिप दी, वो अपने साथ उनको लेके हर जगह जाते थे और अदबी महफिलों में भी ले जाते थे और फिर अजोका के ड्रामे देखने भी और क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी, तो माई मदर वॉज हिज फ्रेंड या, तो वो हमने देखा कि एक आदमी इतना प्रोग्रेसिव है कि वो अपनी बीवी को हर जगह, और मेरी अम्मी बड़ी स्मार्टली ड्रेसअप होती थी, नेल्स बड़े हुए, साड़ियाँ पहनी हुई, मॉडर्न फैशन। आपको बताऊँ, अभी बुशरा आपा ने मेरी साड़ी खुद आके बांधी है, मैंने बहुत बुरी बांधी थी। इसको फिक्स करना होता है बस, समझना होता है और कुछ नहीं। सो उस तरह हमने ये देखा, फिर हमारे जो हस्बैंड्स थे उन्होंने भी हमें उस तरह से नहीं कि भाई जो जाओ या बात नहीं करनी या इसके सामने नहीं आना या उसके सामने, तो चीज़ें बदली हैं। लेकिन सब चीज़ों में मैं समझती हूँ एक चीज़ जो हमेशा रहनी चाहिए वो आपकी अपनी जो बेसिक एथिक्स ऑफ लाइफ है वो नहीं बदलनी चाहिए, जिसमें मैं अब थोड़ी अपसेट ज़्यादा हूँ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, घरों में तो मैं नहीं समझती कि अपने अपने घर का सबका माहौल है, किसी के घर में कोई किसी को तू कहता होगा, किसी को आप कहता होगा। अच्छा, मैं इत्तेफाक से बचपन से अपने बच्चों को आप ही कह के बुलाती हूँ, ठीक है, जब पंजाबी में हम बोलते हैं तो हमारी अम्मी बने हमको तू ही बुलाया कि तू इतने बैठ जाते, तू खा ले, पंजाबी में तो कहते हैं, आपकी अम्मी भी शायद कहती होंगी बिकॉज यू ऑल्सो स्पीक। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ तो हम नानी को मतलब बचपन में क्योंकि नई नई पंजाबी सीखी थी तो गालियाँ भी दे देते थे, पता नहीं था कि दो दो तीन तीन साल की उम्र पे, अब मैं कैमरा पे नहीं कह सकती। अच्छा, हमारे घर में जो बहुत ही कहीं तबाही हो जाती होगी तो हमारी अम्मी की स्कूल का पट्टा ही कह देती थी, मतलब उल्लू दी पट्टी तो ख़त्म, मतलब अब तो लोग समझते हैं ख़ासतौर पे आपकी जनरेशन के बच्चे जी के जो अंग्रेज़ी में भी कुछ अल्फाज है कहना वो कूल है, इट्स ओके, राइट, बल्कि शायद उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जैसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ जी जी और कभी कभी एक मैं नाम नहीं लूँगी, बड़ा प्यारा एक्टर है, मैं ऑल चिल्ड्रन आर वेरी क्लोज टू मी, आपको पता मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, मेरे से कोई डरता नहीं है, शुक्र है ना, मैं चिड़चिड़ी आंटी बनना चाहती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है कि कैसे सड़ी हुई आंटी नहीं, और मैं हम तो आपके साथ सीक्रेट्स भी शेयर कर लेते हैं। हाँ, मगर मैं किसी बच्चों को ना नसीहतें करती हूँ ना उनको तो कहती हूँ कि तुम, हालांकि बच्चे कभी कभी देर में भी आते हैं, कभी टेंटर भी दिखाते हैं, हमें नहीं डायरेक्टर्स को, उनकी वजह से कुछ ट्रबल्स भी होती है, बट मैं, दैट्स नॉट माई एरिया, मेरा एरिया नहीं है वो, डायरेक्शन जाने प्रोडक्शन जाने, मैं क्यों बच्चे को कहूँ कि देखो बेटे तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए, तुम इस वक्त, मैं नहीं कहती। खैर नहीं, वो बात करते करते वो बच्चा ऐसी दो चार बातें कर गया, उसे ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब बोलना ही नहीं चाहिए तो कम अज़ कम, और मैं ना ऐसे होगी कि मेरा ये दिल भी नहीं चाहा कि मैं उसको ये एक्नॉलेज कराऊँ कि तुमने क्या बात कही है, मुझे इतनी शर्म आ गई, मतलब मुझे नहीं आदत के मैं उसको कहूँ कि तुमने ये कहा है, पर्सनल बातें कर रहा था, नहीं किसी के बारे में बात, अच्छा जैसे किसी को कहते हैं पानी का ग्लास, उसमें उसने कोई ऐसी दो लफ्ज़ बोल दिए जो कि कोई उसके ख्याल में कुछ पता ही नहीं चला उसको, उसको पता ही नहीं चला, वरना वो बहुत तमीज़ वाला है। तो मेरा मतलब ये कि ये इतना आपकी एक डेली रूटीन में ये लफ्ज़ आ चुके हैं कि वो आपको याद ही नहीं रहता कि ये कितनी बुरी बात है, ये बुरी बात है, इसको समझें, ये बुरे अल्फाज बोलना बुरी बात है, मतलब मैं इसको और किस तरह कहूँ कि ये बुरी बात। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे जो रिव्यूअर्स भी हैं, जो मतलब बिल्कुल उधर कोई गाइडलाइंस नहीं है ना, एक्सट्रीम कंटेंट जो है वो ज़्यादा चलता है और वो फिर ज़्यादातर यूथ हैंडल करती है, क्योंकि हमें तो इतना आता ही नहीं हैंडल करना, हमारे तो दोस्तों के पास है भी नहीं, और मैंने तो अभी भी थोड़ा सा शुरू किया था तो मैं घबरा गई, क्या हो गया, बस मुझे समझ नहीं आई बदतमीजी किसी ने इतनी की कि सीरियसली मुझे हैंडल करना नहीं आया, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। अल्लाह की फजल से किसी ने मुँह के ऊपर भी कभी ऐसे गालियाँ नहीं दी, तो फिर आप जब पढ़ते हैं, मैं जो इतने आसमान पे चढ़ी हुई थी, तो पता नहीं मेरे तो बुत बने हुए हैं, अल्लाह जाने मैं तो पता नहीं कौन ही हूँ, तो मुझे तो सारे ऐसे ही कहते रहते, तो ये कौन उसके घटिया बातें कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया। ठीक, तो वो नहीं होनी चाहिए, ज़रूर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, फ़न भी होना चाहिए, हम तो इतना मजाक करते हैं, हम और हमारी कंपनी में लोग पेट पकड़ लेते हैं जी, मगर उसमें एक भी गंदा वर्ड नहीं होता। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मतलब हमारी पूरी जनरेशन में जी, मुझसे पहले के लोग जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, ज़िया साहब की मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, बुशरापा, आपने बल्कि उनके साथ तस्वीर भी लगाई थी उस दिन, तो मतलब कुछ सीखना है तो इनसे सीख, जनाब मैं तो बचपन में जब थी ना तो उनके साथ, मैं अब्बा के भी वो दोस्त थे, लेकिन उसके अलावा भी एक दो लफ्ज उर्दू में गलत बोलते तो वो ठीक करवाते थे, उफ ऐसा वैसा है ना, और मज़े की बात उनसे मतलब बात करने का अंदाज सीखना तो वो तो हमारी मजाल ही नहीं लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह वो ना कहीं देख लें सोशल मीडिया, तो खुदा उनको ज़िंदगी दे कहीं उनको कुछ हो ना जाए, बिल्कुल, तो ये माइंडसेट जो है ना उस पर मुझे अफसोस हो रहा है कि नई जनरेशन का माइंडसेट इतना गंदा क्यों है। उशापा, मतलब माशरे की आप बात कर रही थी, आपने कहा कि हर माशरे की अपनी एक टोनल, एक टोन होती है, कंटेंट होता है, लेकिन मुझे वाकई लगता है क्योंकि मैं भी इस, आप तो ऑब्वियसली यू आर लिटरली अ लिविंग लेजेंड, यू सीन इट ऑल एंड मे यू कंटिन्यू टू सी सो मच मोर, बट मुझे लगता है कि जो वायलेंस है ना अब हमारी स्क्रिप्ट्स में उशापा, वो अब आ चुकी है और वो बिकती है और हम उसको मज़ीद अब बढ़ाते भी हैं, तो ऐसा क्यों है और बुशरापा इसका हल क्या है? पता है क्या है, हमारी एक्चुअली पिछले 10 सालों में जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने जो सेंसेशनल न्यूज़ का एक ट्रेंड चलाया, जिसमें अब वो सबसे बड़ा ड्रामा तो उनके पास है ना, आग लग गई, एक आदमी के पता नहीं 15 करोड़ चले गए, उसको वहीं हार्ट अटैक हो गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, ऐसा मैंने देखा। आप इतनी इतनी सी बात को तबड़ा बनाएंगे, फलानी का दुपट्टा सर से उतर गया तो उसको किसी ने चुटकी काट ली, उसको एक ने धक्का दे दिया, आई मीन तो जब आप इतना सेंसलाइज सेंस उसको करेंगे तो ड्रामे में भी वही चीज़ है आपको। अब मैं बकायदा कहती हूँ ना पंजाबी का एक लफ्ज़ कि आपको अब बहुत जहरीला ठुआ लड़ाना पड़ता है तो आप कहते हैं ओहो छोटे मोटे मकौड़े से आपको कुछ नहीं होता, तो ये हमने अपनी ट्यूनिंग कर दी है, ये कंडीशनिंग कर दी अपने माशरे की, जो कि वहाँ तक ले गए हैं हम कि अब आम बात या नॉर्मल बात। मैं आजकल एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रही हूँ, द सूटेबल बॉय जी, बिल्कुल, और मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है पुराना ज़माना, लेकिन जब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं ना थोड़ा जब मैंने होता है कि किताब फिर भी ठीक सी, बिकॉज वो जब वो लेकिन बोलते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है थोड़ी ना, लेकिन आप देखिए कि जो जो एम्बियंस उस वक्त मेरा दिल चाहता है मैं छलांग मार के उस ज़माने में चली जाऊँ जहाँ लोगों के अंदर बेसिक एक बात करने की एक एथिक्स थी, एक मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं डिप्रेशन आपका एक रोमांस है उस दौर के साथ, और मैं हालांकि मैं तो उस वक्त नहीं थी, वो प्री पार्टीशन है, मतलब फिर भी आप देखते तो जैसे मैं थिएटर देखती हूँ लंदन जाके या अमेरिका में, तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ कि हम क्या काम कर रहे हैं,
ये कोई काम है? हम हमारा क्या स्टैंडर्ड है, हमारे पास क्या एवेन्यूज़ हैं जो हम थोड़ा बहुत अपने गुजारे जैसा करते भी हैं, उसको भी कभी पैमरा तो कभी कोई तो कभी लोग, वो तो इस पर ही कह देते इसने दुपट्टा यूँ लिया था, इसने नेल पॉलिश लगाई हुई है, इसको ये दोजख में जाएगा। भाई आप कौन होते हैं, किसी को क्या पता कौन दोजख में जाएगा कौन जन्नत में जाएगा। तो मतलब ये इतनी चीज़ें कि आपका माइंडसेट सारा एक चीज़ से नहीं हुआ, सिर्फ टेलीविजन ड्रामे से नहीं हुआ, फिर मैं यही बात आप देखिए ना, ये न्यूज़ चैनल से हुआ और फिर सब कुछ ज़िंदगी से उठाया ना, ज़िंदगी ही बदल गई है, ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन इतनी आसमान तक पहुँच गई हैं। फिर मैं वहीं आती हूँ, एक बड़ी मेरी बात आजकल मैं जहाँ भी कोई प्रॉब्लम कहती हूँ, आबादी बढ़ी है, इतनी आबादी बढ़ गई है कि उससे और मसाइल ज़्यादा हो। आई टोटली एग्री विद यू। मैं तालीम से भी ज़्यादा आबादी पे, मैं तो कहती हूँ अगर कोई कभी बॉम्ब फटेगा पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन बॉम्ब ही है जो टिक टिक कर रही है जी। मुझे मैं पहले मैं कहती थी एजुकेशन इज़ द की, नो उससे भी पहले आबादी, क्योंकि जब आप 1 करोड़ बच्चे को पढ़ाते हैं उतनी देर में 2 करोड़ और पैदा हो चुका होता है, आप फिर 2 करोड़ बच्चे को पढ़ाते हैं तो 5 करोड़ और पैदा हो चुका होता है आपके, आप वहाँ से सप्लाई तो बंद करें, तो जो आपके पास है पहले उसको एडजस्ट करें, उसको मैनेज करें, आपसे वो मैनेज ही नहीं हो रहा क्योंकि दबदब चल रहा है ना ही। मैंने कॉन्ट्रसेप्शन के ऊपर ज़्यादा कोई मैं ऐड्स देखती हूँ टीवी पे, फैमिली प्लानिंग पहले थे ना बेटा जी, 2 बच्चे ही अच्छे, वक्फा बहुत ज़रूरी है, फिर फैमिली कम बच्चे कुछ खुशहाल घर आना, ऐसी चीज़ें थी, पता नहीं कुछ चाबी भी थी सही। अब तो वो सब मना करा दिया गया है जी। लेकिन बुशरापा हम ज़ियाउल हक के दौर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आगाज़ ही उस बात से किया, उस वक्त एक रिप्रेशन आपके सामने थी क्योंकि मार्शल लॉ था और फिर मज़ीद डिक्टेटरशिप्स उसके बाद भी आई एक दो। अब हम जमहूरियत में हैं, हम चाहते भी हैं कि जमहूरी निज़ाम चले, आप चाहती हैं मैं चाहती हूँ, लेकिन माशरे में जो एक घुटन सी हो गई है वो बहुत से, हमारा शो छोटा है बहुत से उसके वजूहत हैं, लेकिन दिल दुखता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमें कहते हैं, जब मैं कहती हूँ कि यार क्यों इसको एपिसोड 1 के पहले मिनट में इस औरत को चपेड़ पड़ रही है और उसको रोना पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों है? वो कहते हैं भाई आपकी आवाम देखना चाहती है। अभी एक प्ले है वो पता नहीं 12 नंबर पर चला गया, अल्लाह जाने रेटिंग का क्या नंबर होता है उसमें, वो एक नंद है और वो जुल्म कर रही है, तो इट्स नथिंग न्यू, अगर कर भी रही है, मैं नहीं कह रही कि आसमान से लाएँ, कर रही होंगी जी, वो बहुत अच्छा चला गया। और एक बहुत अच्छा प्ले था प्यार के सदके जी, सुना उसकी रेटिंग ही नहीं आई, वाकई पता नहीं थोड़ी सी आई, ऐसे कुछ बता रहे होते हैं 2 आई है कि 3 आई है, तो फिर आपने कहाँ ट्यून किया है, किनको एड्रेस कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको एलिवेट करें आप वहाँ पहुँचें कि जहाँ वो लोग खुश हैं, तो कैसे होगा ये? ऊपर से आप कह रहे हैं और घुटन और ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अब बिल्कुल ही अच्छा, अब मैंने सुना है जी पैमरा की पॉलिसी आई कि जी PTV के ज़माने में ले जाएं, अच्छा हमने PTV किया हुआ है, वो पेशेंस कहाँ से लाएंगे आप, जिसमें मेहमानों कुत्सिया की 15 मिनट की स्पीच परफॉर्म कर रही थी और बड़ा मज़ा आता था, वहाँ ट्यूनिंग थी ना आपकी अम्मी की, हमारे ज़माने के लोगों की, हम उस वक्त एक पीसफुल जोन में थे, हम सुनना चाहते थे असगर नदीम सैयद का अच्छा स्क्रिप्ट, हम अमजद इस्लाम अमजद की बात सुनना चाहते थे, हम अशफाक अहमद बानो कुत्सिया की अनवर सज्जाद की बात सुनना चाहते थे, वो लोग थे कोई, वो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके हर जुमले के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन थी, और इंटेलेक्चुअल्स को फ्लरिश करने के लिए कम्युनिटी चाहिए होती है और कम्युनिटी को फ्लरिश करने के लिए माशरा चाहिए होता है, तो वही बात सब कुछ वहाँ से हम निकल गए ना। अब हम इसमें है कि मतलब एक दो जगह मेरे मुझे भी किसी ने किसी में भी प्ले में एक दो जगह सड़ी हुई आंटी बनी थी, सास बनी थी, झूठ बोलने वाली अम्मा भी बनी थी जी, तो मैं उसमें उन्होंने कहा कि इसका लड़की का हाथ पकड़ के बाहर निकाले, मैंने कहा इसको मैं फिजिकली धक्का नहीं दूंगी। अच्छा अब इस वक्त कोई भी BA पास लड़की हो, FA पास लड़की हो, आप उसको कहें गेट आउट निकल जाओ यहाँ से, उसके लिए वो ही बहुत है बिल्कुल, बजाय इसके कि उसको हाथ से पकड़ के, जो मेरे बचपन में शमीमारा को लोग निकालते थे या ज़ेबा थी उनको लोग सड़क पे फेंक देते, तो मैं किसी को फिजिकली फेंकने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं यही कह दूँ कि गेट आउट निकलो यहाँ से इसी वक्त और दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाऊँ, दैट्स इक्वल टू पुशिंग हर, तो मैंने कहा मैं फिजिकली नहीं धक्का दूंगी इसको, ये पढ़ी लिखी लड़की को धक्का कैसे दे सकते हैं आप मतलब। तो आपके डायरेक्टर ने क्या कहा? कुछ थोड़ी सी मानी थोड़ी सी नहीं मानी, अच्छा आपा, मैंने कहा नहीं मैं दरवाज़ा खोल के उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर खड़ा कर दूंगी, मैं उसको वहाँ नहीं गिराऊंगी, वो लड़की उठ के चपेड़ नहीं मारेगी आजकल, आप किसी झोपड़ी वाली लड़की को भी निकाले ना, उस वो ज़्यादा ताकतवर है सास से, उठ के थप्पड़ मारेगी वो और उसका हाथ ज़्यादा मजबूत होगा, कोई नहीं आजकल थप्पड़ खाता, कोई लड़कियाँ नहीं खाती थप्पड़, आपको लगता है? नहीं क्यों खाएं, नहीं क्यों खाएं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तो जो खा रही हैं अगर बेचारियाँ बिल्कुल ही बिलो मतलब कोई स्टैंडर्ड है जी, तो आप उन्हीं को केटर कर रहे हैं फिर,
बिल्कुल, एक दो चैनल्स हैं जहाँ पॉलिसी है कि थप्पड़ नहीं दिखाना, हमारे हैं, लेकिन बाकियों में तो वो तो बेल्ट भी आदमी उठा लेता है, और जब तक वो उस लेवल ऑफ एक्सट्रीम पे ना चला जाए जो आपका पॉइंट था, तो हमें मज़ा नहीं आता। हाँ, हमें जहरीला सांप लड़ाना होता है, जहरीला बिच्छू, फिर मज़ा आता है, हमें हल्की बात से मज़ा नहीं आता। हल्की बात से याद आया बुशरा आपा, मैं अब ज़ारा को भी देखती हूँ टीवी पर, और ज़ाहिर अस्मा आपा और आपको, और आप तीनों को एक ड्रामे में भी मैंने साथ देखा। आप मेरे सामने बैठी हैं, मैंने आपकी एक्सप्रेशंस देखी, मैंने आपको सायमा चौधरी के रोल में भी देखा, और मैं जब ज़ारा को देखती हूँ, अस्मा आपा को देखती हूँ, मैंने वो आपका गंवार ने नहीं गंवार ने भी देखा। आप सबका जो, आप सबके जो चेहरे हैं ना, उनमें एक बहुत नेचुरल अंग और अदायगी है। मैं ज़ारा जब नहीं, लेकिन बुशापा आई थिंक दिस इज नॉट लर्नड। नहीं, इज नॉट लर्नड। सो वेयर डज इट कम फ्रॉम? हाँ, मेरी तो अम्मी बड़ी सीधी सादी सी है। मैं तो हमारी तो बल्कि मेरी जो अब्बा की फैमिली है ना, मेरी फूफी परवीन आतिफ, उनकी भी 8-10 किताबें थी, डाइड लास्ट ईयर, तो उस तरह से उनका बड़ा लिटरेरी अब्बा का बैकग्राउंड है, लेकिन म्यूज़िक का बहुत पता था, क्लासिकल म्यूज़िक का। आपने कहा था कि आपको क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में इतना पता है, शायद इसीलिए आप नहीं ज़्यादा गाते, क्योंकि ज़्यादा पता है। मैंने कहा ना, जिसको समझ आ जाए वो डर जाता है म्यूज़िक से। तो उसमें ये था कि अम्मी बेचारी वैसे बातचीत में बड़ी सिंपल थी, हमारी ददियाल फैमिली है ना, वो कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर तो कोई जनरल तो कोई कुछ, सब कोई तबला बजाता है, कोई सितार बजाता है, सबके अंदर एक और गुफ्तगू के मज़ेदार चटखारे हैं। मेरे अब्बा के सारे कज़न्स में, बल्कि मुसरत नज़ीर के जो हस्बैंड डॉक्टर साहब हैं, अब तो आजकल उनको अल्जाइमर्स हो गया, वो साइकियाट्रिस्ट थे, तबला ऐसा बजाते थे, तो वो सारी फैमिली चटक मटक बातें करने वाली, वो सारा स्पार्क उधर से आया है, अम्मी से आवाज़ आई है। अच्छा, असल टैलेंट जो अम्मी की आवाज़ थी, लेकिन ये जो हमारे अंदर ना लच्छेदार चीज़ें, बिल्कुल ये सब आप अभी बात कर रहे हैं, ये सब हमारी हमारे मेरे अब्बा के जो कज़न थे, हमारे चचाओं की, आप कभी कंपनी में बैठ जाते, पेट पकड़ लेते। एक मैं आपसे पर्सनल सवाल अपने हवाले से करना चाहूँगी। मेरे दोनों माँ बाप पब्लिक आय में हैं, और हम पब्लिक, एक तरह से पब्लिक आय में ही पले पड़े हैं। जब माँ बाप आपके ऐसे हों, स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ हों, तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बिकॉज़ मेरा तो अपना जर्नी है, और मैं जहाँ हूँ और जहाँ जा रही हूँ वो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक पड़ता है, ख़ासतौर पे मैं अगर कहूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से, क्योंकि हम सामने आते हैं, हम एक चमकती हुई दुनिया में होते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप, मेरे फादर या आपके फादर, आपकी मदर, उनका वेट कुछ ज़्यादा है। मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरा मोतबर हवाला मेरे अब्बा अहमद बशीर है, मेरी बहन नीलम बशीर है, मेरी फुफी परवीन आतिफ है, तो आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग कि मेरे बैकग्राउंड में, मैं तो जाहिल हूँ, लेकिन वो लोग बहुत पढ़े लिखे। मेरे दादा जम्मू कश्मीर में स्कूल के हेडमास्टर होते थे, तो उस मेरी दादी ने वो किया हुआ था, मुंशी फाजिल अदीब आलम। अच्छा। जो पुराने ज़माने में घरेलू होते, तो उधर से मुझे लगता है कि नहीं, इतने हल्के नहीं हैं, गए गुजरे, हम ऐसे ही हैं बस, जो भी हैं। लेकिन हमारे अपने बच्चों की बात मैं करूँ तो बड़ी मेरी बेटियाँ जहीन हैं, दोनों बहुत इंडस वैली से पढ़ती रही हैं, आर्टिस्ट माइंडेड भी हैं, छोटी तो मॉडलिंग भी करती थी, अब ज़रा बच्चों के साथ कम है। बड़ी वाली जो, और आपका जो प्यार अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ना, मैं तो आपकी नकल भी उतारती हूँ मॉर्निंग शो पे जाके, आप जैसा वही मिनी छुट्टी पम 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 के पीछे, तो बुरा हाल है। अभी आजकल हादी रूरिया बहुत याद आ रहे हैं ना, वो न्यूयॉर्क चले गए। तो उसमें ये कि मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद है, जो बानो कुदसिया से किसी ने पूछी थी, क्योंकि उनके भी तीन बेटे थे जी। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि होता ऐसा है, दिस इज़ अ फैक्ट मे बी, कि जो बहुत बड़ा घना सायादार दरख्त होता है, उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उन तक धूप नहीं पहुंचती तो वो बड़े नहीं होते, वो पनपते नहीं हैं। तो ये ऐसा ही होता है। आप गौर करें, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उनके बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि लोग एक तो कंपेयर करते हैं हमेशा। मेरे खैर बेटियों ने तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, और आप तो खैर माशाल्लाह आप तो लिखती हो। हाँ जी, मैं लिखती हूँ। हाँ, माशाल्लाह अली भी लिखता है मैंने सुना, और गाता भी बहुत अच्छा है उस हवाले से। लेकिन अगर वो आपके वालिद की जर्नलिज्म की जर्नी कॉपी हो जाती, कम्पीट करना चाहे, तो लोग जितने उनकी दुनिया के लोग हैं वो हमेशा कहेंगे नहीं, नजम सेठी साहब की बात कुछ और थी, हाँ ये बच्चे लिखते हैं अच्छा है। तो वो जिस लेवल पर वो हैं, जितने एक्सपीरियंस के बाद, वो आप हमेशा कंपेयर होते हैं। जैसे तायरा सैयद कहती थी ना, बड़ी प्यारी हमारी तायरा सैयद, मेरी जान जिगर दोस्त भी हैं, कहती थी सारी उम्र जो भी किया, खूबसूरत भी थी, लेकिन वो हमारे अब्बा कहते थे आहो अच्छी है ये, पर जो मलका पुखरा आ जाए ना, तो ये होता है, हमेशा होता है, तो ये ओवर शेडो कर लेते हैं माँ बाप, खुद नहीं करते तो हो जाता है, तो लोग कर देते हैं। लोग, मैंने ये सब अपनी एक्ट्रेसेस और फ्रेंड्स से पूछा जो मेरे सामने बैठी हैं, लोग कहते हैं कि एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती, क्या ये सच है?
नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे तो अपनी फ्रेंड्स जो बचपन के कॉलेज स्कूल के भी हैं वो भी चल रहे हैं. सही. और एक्चुअली सब लोग प्यार इतना करते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको. मैंने आपकी बहरोज भाई और उनकी बीवी के साथ तस्वीरें आपकी इंस्टाग्राम पे देखी. हमारी 45-42 साल की दोस्तियाँ हैं. जावेद है, बहरोज है, आसिफ है, रुबीना, सबा, समीना, अहमद, बद्दो चली भी गई हैं तो हम उनको फ़ोन करते हैं. तो ये एक सालों की इन्वेस्टमेंट है. हर किसी से आप उस तरह दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पर्सनल होती हैं. फिर लोग थोड़े क्यूरियस भी होते हैं कि अच्छा इनकी शादी कैसी चल रही है, या इनके बच्चों की शादी कैसी चल रही है, अच्छा ये इनके घर कौन आ रहा है. सो जो दूसरे लोग होते हैं वो हमारे चीज़ें समझ नहीं सकते. सो वी कैन नॉट मेक एवरी वन आर फ्रेंड्स. प्यार से सबसे मिलते हैं, बहुत से मिलने वाले हैं. लेकिन सहेल पुना जो है ना, सहेल पुना वो बचपन की दोस्त हैं कुछ 4-5, और ये भी बचपन के ही है ना. मैं 20 की थी तो बहरोज 19 का था जब हम मिले थे. तो सही. तो ये चीज़ें फिर हम नॉर्मल, और हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, हमारे अजीब अजीब से टाइमिंग है. हम कभी रात को आ रहे हैं तो कभी तो बेचारे नॉर्मल लोग. तो जैसे मेरे नेबर में एक हैं, कभी कभी वो अकेली थी तो उनका अभी तक मुझे नाम भी नहीं आता, वैसे दूर ही फिटे मुँह. उन्होंने आके कड़ी भेजी मेरे सवर्ण के हाथ. मैंने कहा कौन है, कहते नहीं आई है. मैंने कहा तुम भी कुछ भेजो. 2-3 दफ़ा वो मिली, 1-2 दफ़ा उन्होंने बेल बजाई. अच्छा. मैं घर में ही नहीं थी, मेरी अम्मी आई हुई थी. उन्होंने समझा होगा, जैसे पड़ोसियों के घर लोग जाते. हमारे घर में हर कोई हर वक्त नहीं आ सकता. हम हैं हम तो 12-12 घंटे से कम तो काम ही नहीं करते. हाँ, मतलब उसके अलावा हमारे कुछ टाइमिंग्स हैं और हमारे अपने कुछ मूड हैं. हमारे दिमाग नहीं ख़राब, लेकिन हमारे अपने कोई हिसाब हैं. अब इस वक्त मैं आ गई, अगर कोई किसी ने आना हो मेरे पास और उसका दिल चाहे मैं ज़रा ऊपर वाली बुशरा के घर से हूँ. शुरू में मैं अपार्टमेंट्स में हूँ. शुरू में हुआ, रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि जी वो एक फैमिली आई है, उन्होंने आपके पास आना. मैंने कहा मैं तो तेल मल के बैठी हुई हूँ, हाय अंडा भी लगा लिया, अब तो नहीं मिलूँ. तो मैंने कहा नहीं नहीं इस तरह नहीं भाई. उसने कहा अच्छा फिर वो कब आए. मैंने कहा वो कल नहीं, कल तो मेरी शूट है और तो परसों. मैंने कहा भाई इस तरह नहीं होगा कि आप. फिर कई लोग आए, प्लीज़ 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 हमारे फलाने आए हुए हैं, वो बहुत प्यार से. जी बिल्कुल. तो आप हर वक्त नहीं लोगों को एंटरटेन कर सकते, और पजामा में फिर रहे होते हैं आप. लेकिन आप आपदा परवीन के सामने तो पजामा में फिर लेते हैं. हाँ. है ना पुशापा, मैंने आपकी इतनी तस्वीरें देखी हैं आपदा परवीन जी के साथ. तो आप और उनकी कब दोस्ती हुई भाई? दोस्ती क्या, वो तो एक हमारी सबकी एक बड़ी प्यारी, हमारे लिए एक हस्ती है कि इस वक्त अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्टीमेट है इस वक्त वो हमारे पास. उनके बराबर का कोई नहीं है. फिर ऊपर से फ़कीर, एक फत्तू इंसान, और मैं तो इतना प्यार, वो खुद भी अच्छा, वो जिधर देखेंगी ना मुझे, हो सकता है आपको भी, आप तो बच्चे हैं, आपके भी घुटनों को हाथ लगाएंगी ना. शी सो हम्बल. मतलब मेरे घर आई, मेरे दोनों मेरे नौकरों ने कहा कि जी मैं मैडम आपके, तो उनको भी कह रही माँ. मैंने कहा हाय हाय बेहोश हो जाएंगे ना करना. सो बिल्कुल इतनी कोई फ़कीर तबीयत की खातून है और प्यारा गाती है, जो बस जो प्यारा गाए तो उसके पीछे तो आशिक. मेरी उनके साथ एक प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ मुझे 2 पोनियाँ बनाने दो एक दफ़ा ज़िंदगी में. मुशा जी आप जब कभी नैप ले रही हूँ ना तो आप बना दीजिएगा. हंसती करके कहती इतनी प्यारी मासूम. मैंने कहा देखिए ज़िंदगी में मरने से पहले मैंने 2 पोनियाँ, दो एक तो बनाऊंगी. आप बना लीजिएगा. इस दफ़ा हम दोनों को सितारा इम्तियाज़ मिला जी. बहुत मुबारक हो आपको. तो मैंने फ़ोन, उन्होंने मुझे उल्टा मुबारक दी, मैंने भी दी उनको, तो निशान इम्तियाज़ मिला. अच्छा. हाँ मुझे उस सितारा. तो मैंने कहा सुनो 23 मार्च को हम दोनों जाएंगे, उस दिन पोनी बनाने देना मुझे. अच्छा कहती अच्छा बना लेना बना लेना. फ़ोन करेंगे कब आएंगी इस्लामाबाद, मेरे पास आए, मेरे पास ठहरे. उनकी बेटी बड़ी प्यारी है मरियम. अच्छा. अम्मी कह रही हैं आप कब आएंगी. अच्छा एक दफ़ा मैं गई तो सड़क के कोने पे खड़ी थी ना. हाँ मैंने कहा यहाँ क्यों लेने आए, इस्तकबाल के लिए मोड़ पे खड़ी थी. अच्छा वो एक अजीब चीज़ है ना, एक दरवेश है तो उससे कौन प्यार नहीं करेगा. आप दिल की बात किससे करती हैं? दिल की बात नरिमान से. आपकी बड़ी जो है? हाँ. अच्छा वो मेरी दोस्त है. ठीक है. वैसे तो दोस्तों से भी करती हूँ लेकिन ये कि नरिमान से तो बहुत सारे दिल की बातें, फाइनेंशियल बातें भी होती. अच्छा. है फिर प्रोफेशनल भी होती हैं, फिर पर्सनल भी होती हैं, एवरीथिंग. ठीक. पुशापा आजकल हम जो हमारा जो हमारी जो पौद है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम वुमेन राइट्स पे बात करें. असल तो जो जिद्दोजहद आपने और मेरी जो अम्मी की जनरेशन थी, लाठियाँ तो आपने खाई और आसमा जहांगीर जो थी मेरी बहुत फेवरेट और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दलेर, बड़ी बहुत दलेर एक हस्ती. लेकिन हम क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, ये वो है, तो हम कोशिश करते हैं. आपके लिए वुमेन्स राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स है. मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि आप ये डिफरेंस देखें कि क्या नहीं कर सकती औरतें. बल्कि एक काम तो आपसे एक्स्ट्रा कर सकती हैं, मर्दों से बच्चे पैदा कर सकते बच्चे तो आप नहीं पैदा कर सकते. चलो वो भी आप कह दें कि भाई किसी वजह से वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, आई मीन बगैर मर्द के नहीं हो सकते. आप तो बड़ा कुछ बगैर मर्द
अल्लाह ने मशीनें बना दी जी 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 बिल्कुल लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये एक माइंडसेट है और मुझे लगता है कि उसको भी औरतों को बदलना पड़ेगा, अपने बेटों को ऐसे पालना पड़ेगा तो नेक्स्ट जनरेशन समझेगी। हमारी जो जनरेशन के मर्द थे ना, उनकी वो कन्फ्यूज थे सीरियसली, उनकी माओ ने बिल्कुल सब्ड्यूड लाइफ गुजारी है, उफ नहीं करनी और मतलब मियाँ को अच्छा वाला खाना देना है, ख़ुद को छुपा के देना है, वो एक और जनरेशन थी जो थी। हमारी जनरेशन थोड़ी निस्बतन बेहतर थी, तो हमारे जनरेशन के मर्दों ने निस्बतन प्रोग्रेसिव लड़कियाँ उठाई, कोई ऐसे बीए पास जैसे मैं बेचारी, मैं भी बीए पास, हाँ मतलब आप तो खैर उसके आगे भी माशाल्लाह बहुत है, तो हम प्रोफेशनल एजुकेटेड थोड़ी हैं, हम ऐसे ही बस इसमें आगे, तो लेकिन वो लड़कियाँ उठाई जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव थी। उसके बाद उनका दिल ये भी चाह कि वो भी रहें जो बिल्कुल डरने वाली और ये हमारे साथ भी चले। उसमें क्या हुआ कि वो जो बेचारी लड़की थी ना, समझे ये कि एक रास्ता, इसके दो टुकड़े हो गए। वो बेचारी कभी घरेलू बनती थी तो कभी वो बरेलू बनती थी। हमें तो एडवाइस भी यही दी जाती है कि दोनों चीज़ें करो। आपकी जनरेशन के लड़के जो है ना, वो समझ गए हैं। एक तो उनकी माएँ निस्बतन, उनकी माएँ पढ़ी लिखी है, मतलब समझ लें हमारी एज ग्रुप की माएँ होंगी, और शायद उन्होंने ये देख लिया कि ये वर्किंग औरतें हैं, इनके पास दिमाग भी है, इनके पास सोल भी है, एंड दीज गर्ल्स फ्रॉम योर जनरेशन आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर बुलशिट। सॉरी ये बड़ा गंदा वर्ड था वैसे। बहुत आपने ये बदतमीजी बताया। नहीं नहीं यार, दिस इज, थैंक यू फॉर सेइंग दैट सीरियसली, बिकॉज मेरी बेटियाँ भी, उनके मियाँ उनके साथ जेंटल बिहेव करते हैं। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वो एक अलग बात है, मगर मैंने नहीं देखा कि मेरी बेटियों के किसी हस्बैंड ने कहा हो कि क्या है, कहाँ थे, वो भी हो जाता है लेकिन, और कहा है, हाँ, वो नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं करते, बट आई मीन इस फाइट्स हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि आप, मतलब मैंने नहीं देखा उनके घर में कोई चीख चहाड़ा या कोई डांट डपट या, हाँ, हाँ, ये नहीं, बिल्कुल सीरियसली, मतलब हम कोई मजलूम नहीं बन रहे, लेकिन हमारी जनरेशन के मर्दों में थोड़ा सा था, और हमारे अब्बा लोगों में और ज़्यादा था, हमारे फादर में उनका रोब भी था और मेरी अम्मी के पर आशिक भी थे वो, तो मगर उनका रोब था। अब पता नहीं, कई लोग कहते हैं वो अच्छी बात है, कोई कहते नहीं अच्छी बात, तो उसमें कुछ नुकसान भी हो जाता है, कई बातें भी नहीं कह सकती हैं बेटियां या बहनें या बीवियां, और फिर गलती कर लेती हैं कोई डर के मारे। अब हम, जैसे मैंने कहा, जब नरेमान बड़ी हुई तो ओ लेवल्स में थी, तो उसके फ्रेंड्स, जाहिर बच्चे सारे लड़के पढ़ते थे, फ़ोन आता था किसी का तो उनके अब्बा ने कहा कि लड़कों के फ़ोन नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने उनको कहा बात सुने, ये लड़कों के साथ पढ़ती है, फिर ये झूठ बोलेगी, फिर कहेगी फातिमा का फ़ोन है, मरियम का फ़ोन है, कुछ कहेगी, तो मैंने कहा अब सब ने कहा, कहा है ये, मैंने कहा हमको ये गिल्ट होता था ना, तो ये गिल्ट नहीं दो, मैं इनको चाहती कि ये डर, वो एक अजीब सारा दिल को बुरा लगता है ना झूठ बोल के, जितना आप किसी को पुलिस करेंगे उतना वो झूठ बोलेंगे। अब वो, मैंने उनको कहा कि देखें, वो फिर झूठ बोलेगी और उसके दिल पर बोझ आएगा, मुझे जानना है कि ये किससे बात कर रही, कोई बात नहीं, अच्छा जी लड़कों की पार्टी में नहीं जाएगी, मैंने कहा अच्छा, जब वो लेवल्स की पार्टियाँ होती हैं तो मैंने कहा चार में जाएगी, चार में नहीं जाएगी, और मैं हर जगह खुद खड़ी हो रही थी, नीचे गाड़ी में बैठी हुई थी, तो मैंने उसको भी कहा तुम्हें चार जगह नो कहना, चार जगह यस कहना, और मुझे पता है किसके घर में है, मैं ले रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, थोड़ा प्रोटेक्ट करके। तो इस तरह करके हमने किया, तो वो भी फिर समझ गए, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं उनको गालियाँ दी कि क्या है, तो फिर उनके दोस्तों को ईद पे बुला लिया, लड़कों को सबको घर में यही नाच लो कूद लो पार्टी कर लो। तो मेरे ख्याल थोड़ा सा उनको एक स्पेस देनी चाहिए, जो कि मेरी बेटियों के फादर ने उनको दी, वो नहीं डरती उनसे। एक तो डर होता है ना कि या डैडी क्या कहेंगे या पता नहीं घर से निकल, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में उन्होंने सारी, हाँ लेकिन ये बात उन्होंने, हालांकि वो बहुत, उनका बैकग्राउंड बड़ा कंजर्वेटिव था बहुत ज़्यादा, उसकी नस्बत उन्होंने, मैंने भी काम किया, उनकी बेटियों ने भी चाहती तो वो आ जाती फील्ड में, डांस भी कर लेती, तो ही डिडंट माइंड, उन्होंने कोई उनको तंग नहीं किया, मैंने ही फैसला किया। मेरे पास राइट ऑफ डिवोर्स था, ये भी मेरे अब्बा ने करके दिया था कि मेरी बेटी जब चाहे वो डिवोर्स दे सके। सो लिखने को दिल चाहता है, कुछ कहने को दिल चाहता है, मगर अब लगता है कि मुश्किल हो रहा है।